गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आज उज्जैन पहुंचे, जहां उनका इंदौर गेट स्थित महामृत्युंजय द्वार पर स्वागत किया गया। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती उज्जैन पहुंचे, जहां इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार के नजदीक उनका स्वागत सम्मान हुआ, जिसके बाद वे शेरसागर स्थित महाराष्ट्र समाज धर्मशाला में पहुंचे। यहां स्वामी जी ने कहा कि केवल आपके जिज्ञासाओं के उत्तर दूंगा। इस पर कुछ लोगों ने सवाल किए। एक भक्त ने पूछा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना क्या है। इसके जवाब में स्वामी जी ने कहा कि हिंदू संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सनातन है। हिंदू को मारने वाला ही हमेशा खत्म हुआ है। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि नदियों में गंदगी मिलाने का काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। शहरी नालों को नदियों से जोड़ दिया गया, इसी के चलते देश की सभी नदियां प्रदूषित हो रही है। जब तक नदियों से नालों का जुड़ना बंद नहीं होगा, तब तक देश की नदियां दूषित रहेगी। मोदी जी की तीन विशेषता है, नमन, मिलन, दमन। इसमें माहिर हैं भुक्तभोगी मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी, उनसे पूछिए। वैसे देशभक्त हैं, घर भरने वाले नहीं हैं, बुलंद हैं, डरपोक नहीं हैं। मोदी जी में बहुत से गुण हैं, सबको मुदमंगल करने वाले हैं। भाई धर्म की कहानी अलग है। राजधर्म का नाम राजनीति है, छात्र धर्म का नाम राजनीति है, दंड नीति का नाम राजनीति है, अर्थ नीति का नाम राजनीति है। पहली बात तो यह है कि मैंने कहा राजनीति जो है धर्म की सीमा के बाहर है ही नहीं। महाभारत आदि का अध्ययन कीजिए। राजनीति एक, राजधर्म दो, दंड नीति तीन, अर्थ नीति चार, छात्र धर्म पाँच। ये पाँच पर्यायवाचक शब्द हैं। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कोई परिभाषा हो नहीं सकती। अब आप पूछेंगे कि राजनीति की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो मैं उत्तर देता हूँ। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति और विकास की परिभाषा है। एक कोई मुख्य मंदिर ले लिया, एक जलाशय ले लिया, दोनों तक प्रशस्त मार्ग बना दिया, घर तोड़ना हो तोड़ दिया मुआवजा के नाम पर। जिनका घर नहीं टूटना होता, वो कहते हमारे घर को भी तोड़ दो, मुआवजा खूब मिलना है। तोड़ने के बाद मुआवजा देते नहीं। ये तो पूरे भारत में लहर है। क्या एक जलाशय ले लो, स्वाभाविक, एक मंदिर मुख्य ले लो, बाकी सब को मार्ग प्रशस्तकरण, सौंदर्यकरण के नाम पर रौंद दो। ये तो पूरे भारत में विकास का यही स्वरूप आजकल।